अयोध्या मामले पर फैसले से पहले यूपी के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को न सिर्फ चाकू चौबंद किया गया बल्कि पहरों को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया। इसी को लेकर के बहराइच में हमारे संवाददाता महेश चंद्र गुप्ता ने एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर से खास बात की। अयोध्या मामले पर फैसला आने वाला है, ऐसे में बहराइच की सुरक्षा व्यवस्था बहराइच के एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के हाथ में है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि सौहार्द न बिगड़ने पाए और शांतिपूर्ण तरीके से लोग इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है उसको स्वीकार करें। बात करते हैं, आने वाले दिनों में अयोध्या प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आने वाला है। जैसा कि हम सब अवगत हैं कि ये एक न्यायिक फैसला है और संविधान हमें इस फैसले को मानने के लिए बाध्य करता है। हम सभी को इस फैसले को शांतिपूर्वक ढंग से मानना है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से प्रबंध किए जा रहे हैं, सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं, साथ ही साथ समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए शांति समितियों की बैठक हर स्तर पर, जिला स्तर पर, थाने स्तर पर, सर्कल स्तर पर हो रही हैं। सभी व्यक्तियों से पुलिस और प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है कि जो भी फैसला आए उसका सम्मान किया जाए, किसी भी प्रकार की भड़काऊ नारेबाजी, प्रदर्शन अथवा जुलूस ना निकाला जाए, सोशल मीडिया पर विशेष रूप से कोई ऐसी पोस्ट, वीडियो या फोटो ना डाली जाए जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ती हो। अराजक तत्वों और शांति व्यवस्था भंग करने वालों या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को पर ऊपर पुलिस की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नजर रखी जा रही है। ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि कोई ऐसी हरकत की जाती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ और उनका सहयोग भी मांगता हूँ कि अमन चैन बनाए रखने के लिए जनपद बहराइच के पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। तो हमने बात की बहराइच के एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर से, इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी प्रकार की सोशल पोस्ट जो होगी सोशल मीडिया पर उसको बख्शा नहीं जाएगा और इस तरीके से जितनी भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है, पूरी तरीके से सौहार्द को कायम रखने की व्यवस्था की गई है। महेश चंद्र गुप्ता, R9 TV, बहराइच।